तो भाई ये है गधे साहब, घोड़ा नहीं है गधा है। आप इस पे बैठते हो? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल जी, सब ठीक है? तो दोस्तों आज है हफ्ता, तो सुबह हो गई है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं चालू कर दिया हूँ व्लॉगिंग करना, तो मैं आज आपको मिलाऊंगा हमारे और दो भाइयों से। तो चलिए मिलते हैं। आपको ये वीडियो लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये है सऊदी अरेबिया विलेज हरिमला का तीसरा पार्ट, दो पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए आपको उनसे मिलाता हूँ। वो देखिए वहाँ पर काम कर रहे हैं आप। ये अभी काम कर रहे हैं, तो इधर फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पर खेती का काम कर रहे हैं। ये सब इधर मिर्ची लगी है। तो अपने एक बांग्लादेश के भी नाना है यहाँ पर, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। सलाम वालेकुम, क्या कटाई हो रही है? गुड मॉर्निंग अन्नालू, ఫైన్ ఫైన్, మంచిగా ఉన్నారా? టిఫిన్ అయిపోయిందా? టిఫిన్ అయిపోయిందా? ఇగో ఇది మన నారాయణ అన్నలు, ఇది మన రాజు అన్నలు, ఇనో హే కామర్ అప్నా నిర్మల్ సైడ్ సే, ఇనో హే కామారెడ్డి కుల్లు తెలంగాణ। हाँ, कितने साल से काम कर रहे हैं ना तुम यहाँ पर? अभी 2 साल ऊपर हो गया। 2 साल इनको हो गया, राजू अन्ना को सेम टाइम, दोनों को 2-2 साल हो गया है। ये जो नाना जा रहे हैं इनो बांग्लादेश के हैं, इनो खजूर का काम करते हैं। इनको कितना साल हो गया? 35 साल। देखो इनको 35 साल इधर हो गया है काम करते करते। इधर ही उनका पूरा जवानी चला गया सऊदी में। ये सब खजूर का है, ये सवेरे सवेरे का मौसम है इधर। तो ये होता है भाई मजरे का काम, सऊदी अरेबिया में मजरे का काम इसी को बोलते हैं, जो फार्मिंग करते हैं यहाँ पर आके। खजूर का काम होता है, थोड़ा डेंजर होता है खजूर का काम, है ना? खजूर का थोड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ, खजूर के झाड़ पे चढ़ना, खजूर तोड़ना, तो उसका जो वो पत्ता होता है उसको काटना, कांटा उसका काटना पड़ेगा। और मजरा यही है, इसको ही मजरा बोलते हैं, और दूसरा कोई मजरा नहीं होता है। हाँ, मजरा बोले तो मजरे का मतलब है कि एक खेती का काम जो होता है वही उसको बोलते हैं, खेती का काम। जैसे कि इधर झाड़ वगैरह कटाई करना, मट्टी, दवा, तरकारी वगैरह, वो सब जो लगाते हैं उसी को मजरा बोलते हैं। तो बकरी का बोलते हैं, वो थोड़ा अलग होता है, वो रेती में रहते हैं। बकरी और ऊँट का, ऊँट चराने का जो होता है। तो ये है, तनख्वाह तुम्हारा कितना है ना? 1500-1500। हाँ, 1500 इनका, 1500-1500 इधर तनख्वाह इनको मिलता है। अच्छा है, प्लांट में इनका ओन काम है, इनका ड्यूटी होता है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। हाँ, 11 बजे तक होता है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक होता है। इतना ड्यूटी कर लो, खलास, काम हो गया, ख़त्म इनका। 8 घंटा ड्यूटी है बस, और कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे दो अन्नालू, और ये था मैं खुद। तो चलिए अभी चलते हैं आगे दिन के तरफ।
हाँ जी, तो दोस्तों यही है वो तालाब, ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये तालाब है, ये पीछे जो पहाड़ है, ये गाड़ी में लेके आया हूँ। देख सकते हो आप, ये है तालाब, इधर इसमें अभी पानी है, परसों बारिश गिरने की वजह से ये पानी इधर जमा हो गया है। तालाब और यही है वो कट्टा, डैम बोलते हैं इसको, डैम। ये पूरा तालाब का एरिया है, पूरा झाड़ जंगल वगैरह। कुछ लोग बोलते थे सऊदी में यार जंगल ही नहीं रहता है। हाँ जी, तो कुछ लोग बोलते थे यार सऊदी में जंगल नहीं होता है, पूरा रेत रहता है। तो देखो इधर जंगल, अभी पानी पड़ना इधर भी चालू हो गया। ये देखो, ये झाड़ है बबूल का, पहचानते हो इसको? ये कांटा देखो और पहचान लो, इंडिया में बहुत है ये बबूल है। तो ये है भाई सुबह सुबह का नज़ारा होरिमला का। ये है हमारा तीसरा दिन होरिमला में, आज है हफ्ते का दिन। आज हम जाएंगे यहाँ से, रात में यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बस, ये फैमिलीज के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर, जो शाम के टाइम पे आकर यहाँ पर बैठकर देख लीजिए। इधर लाइन से सब बना हुआ है, ये सब इधर जो भी आएंगे अपना फैमिली के साथ, इसमें बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जाएंगे घर। तो ये देखो सूरज भाई भी इधर से बहुत चमक रहा है अभी। ये मैं पक्का बना हुआ हूँ यार। तो ये है भाई होरिमला। अगर कुछ बताने में कमी हो गई है तो माजरत खुआ है भाई, जितना हमसे हो सकता है हम बता रहे हैं। इधर मक्खी ज़्यादा हो गया है, मक्खी। तो चलिए अभी हमको नाश्ता करना है, भूख लग रही है, नाश्ता करते हैं जा करके। तो भाई ये है गधे साहब, घोड़ा नहीं है, गधा है। आप इस पर बैठते हो? हाँ, वो देखिए ये आज भी यहाँ मौजूद है, और ये अपने भाई साहब है, इधर बकरी चरा रहे हैं। ये पूरा जंगल है भाई इधर, ये सब बकरी इधर चर रही है, ये पूरा जंगल का इलाका है। इधर यहाँ के जो लोग हैं खेमे वगैरह लगा के यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये पूरा जंगल जंगल है इधर, ये होरिमला का एरिया, और इधर लास्ट में जाके होरिमला यहाँ से ख़त्म होता है। और आप ये देख सकते हो आसमान को, आसमान भी आज माशाल्लाह खूबसूरती में है। तो चलिए भाई चलते हैं अभी रूम पे, वहाँ पर जाकर के नाश्ता कर लेंगे। पहले मैं जब बोला था आपको तो नाश्ता नहीं किया था, मैं इधर आ गया था फिर आगे देखने के लिए। तो चलिए वहाँ जाके नाश्ता करते हैं। हम नाश्ते में लिए दो सैंडविच और ट्यूब। पुर्तगाल पुर्तगाल या यार, हाँ जी। तो भाई लोग, हमने ये तोड़ा है ऑरेंज को,
कोई नहीं खा रहा है तो हम सोचे हम ही खुद इसको तोड़ के खा लें और ले जाएं। हाल सदीक, केवल हाल ये है सुदानी सिस्म कंता सैयद, इसका नाम है सैयद, ये यहाँ पे अंतर सबल हाथ अखरोसा। हाँ ये बकरियां का काम ये करता है भाई। तो दोस्तों मैं इधर चढ़ा हूँ पानी की टाकी के ऊपर, आप देख सकते हो ये खड़ी है गाड़ी, ये देख लीजिए नज़ारा इधर का। ये नज़ारा कुछ ऐसा है, ये गांव है हरिमला, इधर ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ये है पूरा खजूर का बगीचा। ये सूरज भाई ऊपर से चमक रहा है, तो ये पानी की टाकी है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, बहुत बढ़िया भाई। चलिए चलते हैं नीचे अभी। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम निकल रहे भाई यहाँ से। आपको वीडियो हमारे कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी पहनते शूज। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं हरिमला से, अभी जाएंगे रियाद, तो आपसे मिलेंगे रियाद जा करके। चलिए अभी बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।